टू ड्राइव चलाने के लिए प्राइवेट और हायर्ड कार, किसी निजी कार को या फिर हायर्ड किराए पर ली हुई कार को चलाने के लिए जो लगाया जाता है, काम के लिए लगाया जाता है, ये ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? चौफियर कहते हैं। चौफियर मीन्स चालक हो गया, इसे रथ चालक भी कहते हैं। और वैसे चौफियर जनरली किसी भी चीज कार या गाड़ी का चालक हो गया, ठीक है। कॉस्टिंग नथिंग, जिस पे कोई प्राइस ना हो, जिसका कॉस्टिंग नथिंग मीन्स जिसका कोई खुद का कोई दान ना हो, बेदान जिसे कहते हैं हम, है ना। तो डन और गिवन विदाउट हैविंग टू बी पेड, ये एक्सप्लेनेशन मैंने अपने से डाल दिया है। ये एक्सप्लेनेशन जो था कॉस्टिंग नथिंग, एसएससी ने इस बार दिया है, ठीक है। तो मेरा और अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दिया, डन और गिवन विदाउट हैविंग टू बी पेड, है ना। कोई काम किया गया हो बिना पेमेंट के, है ना, तो उसे कहते हैं ग्रेटिस, मींस कहने का मुफ्त या बेदाम, बिना दाम के, ठीक है। तो वो क्या है? ग्रेटिस होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। एनी न्यू पार्टिसिपेंट इन सम एक्टिविटी, किसी कार्य में कोई नया प्रतिभागी अगर पार्टिसिपेट करता है, उसे नौसिखिया कहते हैं, नियोफाइट, ठीक है। तो ये रिपीट है, ये वाला नया था, चौफियर ये भी रिपीट था, ठीक है। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने में ही मस्त रहता है, कहीं और जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, लिव्स बाय हिमसेल्फ, अपने ही आप में जीवित मस्त रहता है, जीवित रहता है, अपने काम से काम रखता है, उसे हम कहते हैं रिक्लूज, यानी वैरागी, जिसे वैराग्य उत्पन्न हो, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब ना हो, सन्यासी टाइप का व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये भी आपका रिपीट था। नॉट अलाउइंग फ्लूड टू पास थ्रू, जो कि फ्लूड किसी भी द्रव को पास ना होने दे, तो ये क्या होता है? अवैध होता है, अवैध, अवैध का मीन्स होता है जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पास ना होने दे, है ना, ना गुजरने देने वाला, इम्परवियस कहते हैं इसे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो इम्परवियस ये भी रिपीट था, ठीक है, पहले इम्परवियस आया था। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड, एक ऐसी जगह जहां पर क्या है, जानवरों को मारा जाता है, स्लॉटर्ड, उनकी बलि दी जाती है, फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड, भोजन के खाने, भोजन के रूप में खाने के लिए, इसे कहते हैं अबेटियर, मींस कहने का कसाई खाना, ठीक है ना, अबेटियर मींस कसाई खाना होता है, अबेट ऑयल। इसकी स्पेलिंग आप देखेंगे, स्पेलिंग कलेक्शन में ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग आप देख लेंगे। ये भी रिपीट है, कोई नया नहीं है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो कि न्याय से भागता है, उसे हम फ्यूगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूगेटिव, भगोड़ा। ये मैं जब भी आपको एडिटोरियल पढ़ाता हूँ, अभी एक हाल ही में मैंने एक एडिटोरियल पढ़ाया था जिसमें नीरव मोदी, विजय माल्या के बारे में था, तो ये दोनों को फ्यूगेटिव कहा था, मतलब उस एडिटोरियल में ऑथर ने भगोड़ा कहा था, तो भगोड़े का क्या है? फ्यूगेटिव होता है वर्ड, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब ये नेक्स्ट है, अ स्लाइट फॉल्ट, एक हल्की सी त्रुटि, गलती, दैट कैन बी फॉरगिवन, जिसे माफ किया जा सके, विनियल, विनियल होता, ये एसएससी ने वर्ड दिया था, पैर्डनेबल मींस मैंने अपने से डाल दिया है, क्यों? विनियल जो था ये होता है क्षम्य, जिसे क्षमा किया जा सके, छोटी सी गलती, ऐसी गलती जो क्षमा किया जा सके। ये जो है एंटोनिम साइनोनिम्स में पूछा गया था, और विनियल का जो है साइनोनिम बना था पैर्डनेबल, तो ये पूछे जा चुके हैं, ये भी रिपीट आप कह देंगे, बिल्कुल रिपीट है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस, पैराडाइज मतलब होता है हीवन, मींस स्वर्ग, विथ परफेक्ट ब्लिस, जिसमें ब्लिस मींस वेरी एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा खुशी, जिसमें जहां बहुत ज्यादा खुशी, उसे हम कहते हैं इलिसियम, इलिसियम मतलब बैकुंठ, बैकुंठ या आनंद धाम ऐसा कह सकते हैं हम, बहुत ही उत्तम स्थान वो कह सकते। अ स्टोरी, एक ऐसी कहानी, दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज, जो कि विचार प्रकट करती है, थ्रू सिंबल्स मतलब संकेतों के द्वारा, एक ऐसी स्टोरी जिसमें कि संकेतों के द्वारा विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें हम एलिगोरी कहते हैं, रूपक, तो ये जो है आपका न्यू मान सकते हैं आप, ठीक है ना इसे, हाँ। नेक्स्ट है, अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजाइम्स एंड गवर्नमेंट, मींस कहने का एक ऐसा समय क्षण, जो दो
दो, जैसे कोई दो राजाओं के शासनकाल है उनके बीच का समय, या फिर दो सरकारों के बीच का जो समय होता है उनसे इंटरेग्नम कहते हैं। ये रिपीट है, दो तीन बार रिपीट हुआ है और ये फिर से रिपीट हो गया, इस बार अंतरकाल कहते हैं, ठीक है उसे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अ डिसीजन, एक निर्णय, अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, एक ऐसा निर्णय है जो कि पब्लिक वोटिंग से किया जाता है, पब्लिक का वोट लेकर के, और उसमें जो भी वोट जिसका वोट ज्यादा होता है वही डिसीजन मान लिया जाता है, तो वो डिसीजन को हम कहते हैं जनमत संग्रह। क्या कहते हैं? प्लेबिसाइट। ऐसा ही रेफरेंडम एक वर्ड होता है। प्लेबिसाइट की आप स्पेलिंग याद रखेंगे, स्पेलिंग में तो कई बार पूछा जा चुका है, और आप अभी पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपको भूल जाएगी, तो इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ड खुद ही अपने में इंपॉर्टेंट है, जनमत संग्रह। आई होप आपको एक कलेक्शन अच्छा लगा हुआ होगा। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर उसमें हम नए वीडियो वन वर्ड सेपरेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।